Sonorità. चंपक राम आसी लोकप्रिय धारावाहिक रामायण रे श्रीराम चरित्र अभिनय कर घरे घरे परिचित होता अभिनेता तथा बीजेपी स्टार प्रचारक अरुण गोविल चंपा आसी जय श्रीराम नारा दे चंपा विधानसभा आसन पर बीजेपी प्रार्थी डॉक्टर मुरली मनोहर शर्मा को भोट देवाई लोकं कही सहित जोड़ी पद्म फूल से बटन मारे देखु रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी 25 तारीख 3 दिन बाद आपको एक निर्णय लेना है। समय नहीं बचा है निर्णय लेने का और उसमें सोचने की आवश्यकता भी नहीं है कि क्या निर्णय लेना है। आपकी उपस्थिति बताती है कि आपने निर्णय ले लिया है। जय श्री राम। इस मातृशक्ति ने निर्णय ले लिया है और घर में किसी भी घर में जब मातृशक्ति निर्णय ले लेती है तो घर के सभी सदस्यों को वो मान्य होता है। तो जो मातृशक्ति ने निर्णय लिया है वो पितृशक्ति भातृशक्ति सबको मान्य है, क्योंकि वही निर्णय आज हमारे देश के लिए हमारे राज्य के लिए काम आने वाला है। उसी से हमारे राज्य की प्रगति होगी, उसी से हमारे देश की और प्रगति होगी। पिछले 10 वर्षों में हमारे देश ने जो प्रगति की है, जो विकास किया है, जो सुविधाएं हमें मिली हैं, जो हर तरह की सुख सुविधा और महिलाओं को जो सम्मान मिला है, वो इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो हमारे लिए सक्षम है, हमारे लिए वही काम का है। बस श्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस देश की हालत हमने देखी है, आप सब ने देखी है। आप बरसों से अपने प्रदेश की हालत देख रहे हैं। जो विकास हो जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ आपके यहाँ विकास इस प्रदेश में। अब ये मौका है और एक बात और, मौके बार बार नहीं आते और यहाँ तो जो मौका देने वाला व्यक्ति है वो भी कह रहा है, श्री नरेंद्र मोदी, इस मौके को ले लीजिए, इस मौके को अपने पास बुला लीजिए, ये आपके हाथ में है। क्योंकि वोट आपको देना है, वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, हमारे अपने प्रति कर्तव्य है। आज अगर हम अपने घर की हालत हम नहीं सुधारेंगे तो बाहर वाला आकर नहीं सुधारेगा। हमें खुद के लिए, अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए हमें ये काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ बनेगी तब इस प्रदेश की जो प्रगति होगी, बाकी प्रदेशों की प्रगति देखिए आप, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कितनी प्रगति हुई है उसमें। वहां भ्रष्टाचार अब नाम की चीज नहीं है। ये बात आपको भी यहां करनी होगी, अपने लिए करनी होगी, किसी और के लिए नहीं करनी है। अन्याय सहने की, दुख सहने की, समस्याओं से जूझने का भी एक लिमिट होती है। वो समस्या अब नहीं होगी आपके पास। इस बार 25 तारीख को आपको फैसला लेना है, लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी। ये फैसला बहुत, इस बार के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात तो आपको बताई जा चुकी है कि पहले मतदान होगा फिर जलपान होगा। और मेरी बहनों से, माताओं से मेरा आग्रह है कि घर में किसी को भी जलपान मत दीजिएगा जब तक आप उनकी उंगली पर ये निशान ना देख लें। ध्यान रखिएगा। और वोट हम सबको देना है, कोई भी व्यक्ति वोट देने से बचना नहीं चाहिए। जब हमें कोई चेंज लाना होता है, एक रिवॉल्यूशन लाना होता है,
ये एक रिवॉल्यूशन की तरह है, क्रांति की तरह है। इस 25 तारीख को ये क्रांति हमें लानी है, हमें भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश में लाना है। ये क्रांति से कम नहीं है और इस क्रांति के सहभागी आप बनेंगे, आप हैं उसके सहयोग में। आपको अपना सहयोग खुद करना है। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है पिछले 10 सालों में, और इस बार जो उन्होंने नारा दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और 400 के पार, वो नारा ऐसे ही नहीं दिया है, वो कुछ करने के लिए दिया है, कुछ काम करने के लिए दिया है देश के लिए। उस नारे को आपको पूरा करना है और वो तभी पूरा होगा जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा में 400 के पार की गिनती पहुंचेगी। तो आपको यहाँ श्री मुरली शर्मा जी के लिए और लोकसभा में श्री अनंत नायक जी के लिए वोट देना है 25 तारीख को। कमल के फूल पर बटन दबाना है और मैंने देखा यहाँ कितने सुंदर कमल के फूल होते हैं, सफेद, जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान में गुलाबी फूल तो बहुत मिलते हैं लेकिन सफेद फूल बहुत सुंदर है यहाँ के। उतना ही सुंदर आप लोगों का मन है, उतना ही सुंदर इस प्रदेश को बनाइए। और प्रदेश सुंदर तभी बनता है जब हम मन लगाकर प्रदेश के साथ काम करते हैं, जब हम मन लगाकर उन लोगों को चुनते हैं जो हमारे प्रदेश के लिए काम करेंगे, जिन्होंने काम किया है आज तक। और जब अधिकार मिल जाता है तब पूरी प्रगति होती है, तब व्यक्ति अपने पूरे दम पे पूरी शक्ति से काम कर पाता है, क्योंकि उसके पास अधिकार भी होते हैं, जनाधिकार होते हैं। वो जनाधिकार आप देंगे उनको, इन दोनों को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रदेश में मुद्दे बहुत हैं, इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना? तो कैसे खत्म होंगे? बीजेपी से खत्म होंगे वो। जब बीजेपी आएगी तब खत्म होंगे वो मुद्दे आपके, तब वो समस्याएं आपकी खत्म होंगी, जो पिछले इतने सालों से जो समस्याएं चली आ रही हैं तब जाकर खत्म होगी। देखिए, ये मौका 5 साल में एक बार आता है, ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं बहुत गर्मी हो गई है, वोट देने लोग कम जाएंगे। क्या एक दिन की गर्मी 5 साल की तकलीफ से ज्यादा बड़ी हो जाती है? नहीं होती। चाहे गर्मी कितनी भी हो, उस दिन कितना भी टेम्परेचर ऊपर चला जाए, आप सब वोट देंगे और कमल के फूल को वोट देंगे अपना आप, श्री मुरली शर्मा जी को वोट देंगे, श्री अनंत नायक जी को वोट देंगे आप अपना। तो एक बात का ध्यान रखिएगा बाबू, जय श्री राम भी तभी काम करते हैं जब हम अपना मन लगाकर काम करते हैं। परमात्मा तभी देता है, वो भी देखता है कि जो मांग रहा है वो कितना ईमानदार है अपने प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, तब परमात्मा देता है। परमात्मा ऐसे ही नहीं देता, समझे? तो जय श्री राम मन से बोलते हो, ये सिद्ध करना होगा तुमको, है ना? आज राम मंदिर हमारे पास आ गया, राम मंदिर, रामलला की पांच प्रतिष्ठा हो गई, राम राज्य की ओर हम अग्रसर है। राम राज्य की परिभाषा क्या होती है? राम राज्य की परिभाषा होती है कि सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ सत्य चलेगा, सबके साथ नीतियां चलेगी, अनीतियां नहीं होंगी, समझे ना? तो ये होती है राम राज्य की परिभाषा। और ये तभी होगा जब आपके पास ईमानदार काम करने वाले आपके आपको नेतृत्व देंगे। तो इसलिए ये जो दो हमारे भाई खड़े हैं यहां पर, सक्षम है अपने आप में, ईमानदार है, आपके लिए करना चाहते हैं कुछ, अपनी पार्टी के लिए करना चाहते हैं कुछ, अपने देश के लिए करना चाहते हैं कुछ, अपने प्रदेश के लिए करना चाहते हैं कुछ, तो इन दोनों को आपको कमल के फूल पर बटन दबाना है और दोनों को भारी बहुमत से जिताकर अपने देश का भाग्य बनाना है। जय जय श्री राम।
राम जी का चरित्र अगर कभी भी आप ध्यान से पढ़ें, ऐसे तो रोज पढ़ते हैं सब लोग रामायण देखते भी है, लेकिन अगर उसमें से 5% भी आप देखते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो अगर उसमें से 5% भी आप अपने अंदर ले लें, उसे समझ लें, तो मैं सच कहता हूं आपसे, हम सब लोगों की जिंदगी, हम सब लोगों का जीवन, उसमें इतनी सुख होगा, इतना शांति होगी, इतना आनंद होगा, और तब आएगा जीने का मजा कि जब हमारा प्रदेश सुखी होगा, हमारा शहर सुखी होगा, हमारा गांव सुखी होगा, हमारा पड़ोसी भी सुखी होगा, तब हम ये मानेंगे कि हाँ हम भी सुखी हैं। जब हम एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते हैं, तब हम ये मानते हैं कि हमारा समाज सुखी है, और समाज सुखी होता है तभी सब कुछ सुखी होता है। तो इसलिए अगर आपको अपने देश की प्रगति चाहिए और विकास चाहिए, इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में जो पहले कभी कहीं किसी दुनिया के देश में नहीं हुआ। 5 साल, अगले 5 साल का हिसाब बन चुका है कि क्या क्या काम और करना है, कोई नहीं करता, ये दूसरी सरकारों ने कभी नहीं किया, ये 75 साल से कोई नहीं किया ना, तो तुम समझाना इन सबको, इन्हें और अभी इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ये इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, इतने आराम से बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, ये इस बात का सबूत है कि वोट बीजेपी पार्टी को जाएगा, वोट श्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, वोट कमल को जाएगा, कमल के निशान पर बटन दबेगा। तो जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा सार्थक कीजिए, अपने जीवन में उतारिए उसे, और वो तभी होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब होगा ये सार्थक। तो आप वादा करते हैं कि 25 तारीख को आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, कमल के निशान को जाएगा, श्री मुरली शर्मा जी को जाएगा, श्री अनंत नायक जी को जाएगा। अगर आप ये वादा करते हैं, इधर भी पूछता हूं, आप भी बताइए आपका वोट श्री मुरली शर्मा जी को जाएगा 25 को, जाएगा श्री अनंत नायक जी को जाएगा, तो वोट दीजिएगा, उसके बाद जोर से नारा लगाइएगा वहीं पर, जय जय श्री राम, तभी हमारे देश में राम राज्य आएगा, जय जय श्री राम।